नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल ने जिस दिन से शपथ ली थी उसी दिन से नए नवेले मंत्रियों को लेकर हर रोज कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। नया विवाद बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को लेकर है। सुरेंद्र यादव गया जिले के बेलागंज से विधायक हैं और बाहुबली माने जाते हैं। मंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार गया पहुंचे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जुबान कुछ ऐसी फिसली कि सुनने वाला हैरान रह गया। मगर परमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा, उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेंद्र यादव अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की पूरी कोशिश में लगे थे। सबको ये बताने की कोशिश में लगे थे कि उन्हें प्रदेश की जनता की कितनी फिक्र है। इसी दौरान उनके बगल में बैठे एक शख्स ने उन्हें कुछ बताना चाहा और बिना कुछ सोचे समझे सुरेंद्र यादव बदजुबानी पर उतर आए। एक ही दिन हम बैठे हैं और उसके बाद कैबिनेट हो गया और फिर मुख्यमंत्री से छुट्टी लेके हम यहाँ चले आए, क्योंकि त्यौहार भी है तो थोड़ा हम सोचे कि नहीं रू बरू अपने गया के जो भी परिवार के लोग हैं सबसे थोड़ा मिले जुले, अपने क्षेत्र के जनता से मिले और गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात हम मुख्यमंत्री को बता दें, बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। काफ़ी लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं पता मिलता है। लंबा पारी खेले हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है कुछ पूछना है तो बोलिए। मगर परमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा, उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। मंत्री जी की इस बदजुबानी पर बीजेपी ने तुरंत चुटकी ली। बिहार सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है, वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो डीएसपी की परीक्षा बीपीएससी की क्वालिफाई कर गए थे और अब मंत्री बने हैं तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पब्लिकली सलाह दे दिया तो उसको उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि भाई फ़ोटो तो खिंचवा ही रहे हो, क्यों पब्लिकली सलाह दे रहे हो, नहीं तो मंत्री को लोग अपशब्द से उन्होंने कहा कि ऐसा समझेंगे। लगता है कि बिहार सरकार के मंत्रियों को कुछ पब्लिक परसेप्शन की, पब्लिक डोमेन में कैसे बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं तो आरजेडी के कोटे के मंत्रियों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन वो ज़रूर ऑर्गेनाइज करें और इस तरह से हल्की भाषा का पब्लिक डोमेन में प्रयोग करके बिहार की छवि खराब ना हो और माहौल को हल्का ना किया जाए। मंत्री सुरेंद्र यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पर किसी की कोई सफाई सामने नहीं आई है।